सो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे प्रोडक्ट के बिजनेस आइडिया के बारे में। यहाँ पर आप जो है कि बोरी का प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तो इसमें आपको फुल टाइम नहीं काम करना पड़ेगा, पार्ट टाइम काम करके डेली का 1400 से 1500 रुपये बहुत ही इजिली आप इनकम कर सकते हो। इसमें आपको घर छोड़ करके बाहर कहीं नहीं जाना है, आप अपने घर के एरिया में 10-15 या 20 किलोमीटर के रेंज में ही आपको प्रोडक्ट सेल करना है। और सेल कैसे करना है, कोई घूम करके आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई जो है कि आपको फेरी वाला काम नहीं करना है। मतलब थोड़ा सा ये थोड़ी है कि मतलब गांव में घूम घूम करके आपको प्रोडक्ट बेचना है, इस तरह का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक जगह जो है कि अच्छा से बिजनेस है, बिजनेस बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको घूम करके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, नहीं, इसका कस्टमर ऑलरेडी फिक्स है और यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपको पार्ट टाइम काम करना है, ये नहीं कि पूरा दिन सुबह से निकलिए शाम तक जो है कि 10 बजे रात तक आप प्रोडक्ट बेचते रहिए, ऐसा नहीं है। कम टाइम लगेगा, प्रॉफिट अच्छा खासा होगा और जो है कि ये प्रोडक्ट आपका एक बार जब बिकेगा ना तो कस्टमर आपके बन जाएंगे और हमेशा आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप डेली जो है कि इससे अच्छा खासा अर्निंग करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, सब कुछ जानेंगे, कितना रुपए पूंजी लगेगा, एक प्रोडक्ट कहां से खरीदेंगे, एक जो है कि सेल कैसे करेंगे, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट खर्चा कितना लगेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो आज के डेट में सभी लोगों के पास पैसे की कमी है। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि पैसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास मात्र 6000 रुपए हैं तो मात्र 6000 रुपए से शुरू करके डेली का 1500 रुपए तक की कमाई आप कर सकते हो। देखिए इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 बोरी प्रोडक्ट आपको खरीद करके लाना होगा और आपको 2 बोरी प्रोडक्ट दिन भर में बेचना है। कैसे बेचना है, देखिए मात्र 1 बोरी बेचते हो तो 750 रुपए ऐसे प्रॉफिट होने वाला है, अगर 2 बोरी बेच देते हो तो 1500 रुपए प्रॉफिट होने वाला है। आप अपना खर्चा, पेट्रोल का खर्चा निकाल लीजिए, यह भी नहीं है कि घूम करके आपको बेचना है, बस एक बार जाना है, उसके बाद वहीं से आपको जो सारा प्रोडक्ट बेच देना है। पेट्रोल का खर्चा 100 या 50 रुपए रख लीजिए, उसके बाद यहां से आपका जो बचेगा सारा प्रॉफिट बचने वाला है। देखिए इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 2 बोरी पॉलीथीन खरीदना होगा। कौन सा, देखिए इस क्वालिटी का पॉलीथीन जो है कि 6 नंबर का आता है, जो ना 6 नंबर, 7 नंबर और जो है कि आधा केजी का पॉलीथीन आपको खरीदना होगा और 5 केजी का भी पॉलीथीन खरीद करके आपको रख लेना होगा। ठीक, 2 बोरी आप अपने बाइक पर लोड कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये मत घबराइएगा कि पॉलीथीन बेच करके कैसे इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे और डेली कैसे बेचेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह का बिजनेस जहाँ भी आप करने जाएंगे ऑलरेडी लोग कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा यूनिक तरीके से इस बिजनेस को करना है। आपका विचार, बात, व्यवहार, हर एक चीज उचित तरीके से करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके घर, जहाँ पर आपका घर है, आपके घर से 4 या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी चौराहे हैं, आपके चारों तरफ जितने भी चौराहे हैं, हर एक चौराहे पर मार्केट किस दिन लगता है। देखिए गांव के एरिया में देखेंगे ना तो जो है कि 7-8 दिन मार्केट नहीं लगता है, सप्ताह में 2 दिन मार्केट लगता है, जैसे सोमवार को हो गया, फिर जो है कि शुक्रवार को हो गया, या फिर कहीं शनिवार को लगता है तो इधर बुधवार को लगेगा, मतलब मार्केट सप्ताह में 2 दिन लगता है। तो इसी तरह से अगर आप पता करेंगे ना तो सप्ताह के 7-8 दिन आपके एरिया में किसी न किसी चौराहे पर, जैसे मान लीजिए आज इस चौराहे पर लगा मार्केट, तो सोमवार को किसी और चौराहे पर लगेगा, तो मंगलवार को किसी और चौराहे पर लगेगा, तो नेक्स्ट बुधवार को किसी और चौराहे पर, बृहस्पतिवार को किसी और, शुक्रवार को किसी और, शनिवार को किसी और, संडे को छुट्टी मार दीजिए, संडे को प्रोडक्ट ला करके रख लीजिए घर पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जहां पर बाजार लगता है, सब्जी वाली मार्केट जहां पर लगती है, वहां पर आपको जाना है और वहां पर आपको सबसे पहले जितने भी दुकानदार होते हैं ना, किसी भी मार्केट में जाएंगे ना तो वहाँ पर 200 से 250 से कम दुकानें नहीं आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर अगर दुकानों पर जाएंगे ना और सभी बाजार के जितने भी दुकानदार हैं सभी लोगों से संपर्क बना करके अगर उन्हें आप एक एक पॉलीथीन देते हो तो देखिए दोस्तों, उन्हें पैसा आपको सबसे पहले नहीं लेना है, सबसे पहले एक डायरी लेना है और उसके बाद सभी लोगों का नाम नोट करना है, और जब नाम नोट करेंगे ना तो वहाँ पर आपका और उनका एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब आपको उनका नाम नोट करना है और उन्हें जितना पैकेट पॉलीथीन आप दे रहे हो 30 रुपये के हिसाब से वहाँ पर नोट कर लेना है। सबसे पहले नोट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर लीजिए। अब वहाँ पर जो है कि आपको नोट करना है पॉलीथीन देना है और पैसा अभी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा शुरू में देते ही नहीं है। सबसे पहले आपको उन्हें माल देना है, उसके बाद पैसा लेने की कोशिश नहीं करना है। जब
जो है कि जैसे मान लीजिए 3 बजे आप जाइए या फिर 2 बजे जाइए या फिर 1 बजे जाइए, ठीक ना। इस तरह से मतलब 12 बजे के बाद कभी भी आप पहुंच सकते हो, 12 बजे के बाद मार्केट लग जाता है, ठीक। तो वहां पर आप जो है कि 12 बजे अगर जाते हो तो आपको जो है कि वहां पर प्रोडक्ट बांटने में मतलब पॉलीथीन बांटने में जो है कि पूरा टाइम लगने वाला, 1 से 2 घंटा लग जाएगा। तो वहां पर आप पॉलीथीन बांट दीजिए, बांटने के बाद जो है कि जब शाम का टाइम होता है तो एक तरफ से आप पैसा वसूली करते आ जाइए। जब पैसा वसूली करेंगे ना तो 30-30 रुपये जब सभी लोगों का बिक्री हो जाएगा, जब इस पॉलीथीन का काम क्या है, पॉलीथीन का काम यही है कि इसमें सब्जी भर करके देना। बड़ा पॉलीथीन रखेंगे, 5 किलो का भी आप रख सकते हैं, वहां पर जो है कि 5 किलो वाला भी पॉलीथीन लगता है, 1 केजी का भी लगता है, 1/2 केजी का लगता है, 4 जो है कि 1 पाव का भी लगता है। तो दोस्तों इस तरह से कई वैरायटी आप रख सकते हो, शुरू शुरू में सबसे ज्यादा यही बिकने वाला है। और साथ में उसी के साथ पॉलीथीन बेचने के साथ एक और प्रोडक्ट आप बेच करके इससे भी अधिक अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, उस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वो कौन सा बिजनेस है जिससे आप करके कम पूंजी में इससे भी अधिक पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर एक दिन में मान लीजिए कम से कम आपके एरिया में 150 दुकानदार हैं, 150 दुकानदार एक एक पॉलीथीन लेते हैं और एक पैकेट पॉलीथीन आपका मात्र 24 रुपये का पड़ने वाला है, अगर होलसेल की दुकान से लाते हो, होलसेल की एजेंसी से लाते हो तब 24 का पड़ेगा, 30 का बेचेंगे 6 रुपये बचेगा। अगर नहीं ज़्यादा 150 दुकानदार अगर आपका खरीद लेता है तब भी यहाँ से आपका बहुत अच्छा खासा यहाँ से मार्जिन होने वाला है। तो दोस्तों पहले आप शुरू करिए, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा और आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके जो है कि ग्राहक बन जाएंगे और आप जो है कि हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे और हमेशा आपका बिक्री होता रहेगा। जब कस्टमर और आपके बीच एक अच्छा सा संबंध हो जाएगा ना तो आपका प्रोडक्ट बिकने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो दोस्तों जाइए इस प्रोडक्ट को खरीदिए और इस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना स्टार्ट करिए और डेली डेली आप इस प्रोडक्ट को जो है कि बेच सकते हो, पूरा 2 बोरी 3 बोरी बहुत इजीली बेच सकते हो। जितना अधिक दुकान रहेगा उतना अधिक आपकी बिक्री होने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी पॉलीथीन होती है ना जो कि हल्का क्वालिटी का होता है, तो आपको थोड़ा मीडियम क्वालिटी का लाना होगा जिससे फटे ना। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।